आप सभी श्रोताओं का अपने चैनल अंडरस्टैंडिंग डिवाइन ट्रांस में स्वागत है। तो आज हम भगवान के पद चिन्हों की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। भगवान के कई विशेषताओं में से एक जो भक्त के जीवन में मंगलता प्रदान करते हैं वो है भगवान के कमल चरण, जिनके ऊपर कुछ विशेष चिन्ह बने हैं और हर एक चिन्ह में विशेष गुण होते हैं जो भक्त के जीवन में सदा सहायता प्रदान करते हैं, जिसे आप अभी देख पा रहे हैं। तो चलिए हम आज भगवान के दिव्या पद चिन्हों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आप अंगूठे के नीचे देख सकते हैं, ये है जौ या आप इसे गेहूं भी कह सकते हैं, जो दर्शाता है पोषण। इसका मतलब है कि जो भगवान के इन कमल चरणों पर ध्यान लगाएगा उसे उसके जीवन में आध्यात्मिक पोषण मिलता रहेगा। उसके नीचे है चक्र जो दर्शाता है विनाश, जिसके मतलब है कि जो भगवान के चरणों पर ध्यान लगाएगा उसके जितने भी अनर्थ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्स्य, भ्रम, अहंकार जैसे और अनर्थ खत्म हो जाते हैं। इसके नीचे आता है छत्र जो दर्शाता है आश्रय को, जो भक्तों को भौतिक जीवन के दुखों से बचाता है। इसके बाद आप अंगूठे के पास से एक लकीर नीचे जाते हुए देख सकते हैं, जो बताती है कि जो भगवान के चरणों पर ध्यान लगाते हैं उनके लिए भक्ति का रास्ता भी ऐसे ही सीधा और सरल होगा। इसका और एक अर्थ होता है कि भगवान की कृपा की डोर कितने भी नीचे जा सकती है आपको ऊपर उठाने के लिए। इसके बाएं ओर आप कमल का चिन्ह देख सकते हैं, जो दर्शाता है शुभता और मंगलता को, यानी भक्त के जीवन में शुभता और मंगलता आती है भगवान के चरणों पर ध्यान लगाने से। कमल की बाएं ओर है अंकुश, जो हाथी को काबू करने के लिए होता है। ये दर्शाता है यदि हमें हमारे मन को वश में करना है तो हमें प्रभु के चरणों पर ध्यान लगाना चाहिए। अंकुश के नीचे है वज्र, जो दर्शाता है कि जहाँ भी गिरेगा उस जगह को वो तहस नहस कर देगा, यानी ये हमारी भौतिक जीवन और भौतिक आदतों को तहस नहस कर देगा। इसके दाएं ओर है ध्वज, जो दर्शाता है विजय को, यानी कि प्रभु के भक्त जो भी कार्य करेंगे उसमें वो विजयी रहेंगे। इन सब के नीचे आता है अष्टकोण, जिसका अर्थ है कि जो कुछ भी आठों दिशाओं में भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए चाहिए वो सब भक्त के लिए उपलब्ध रहेगा। अष्टकोण के साथ ही आप देख सकते हैं जम्बू, यानी जम्बू द्वीप पर रहने वाले सभी भगवान को पूजते हैं। साथ ही चार स्वास्तिक के निशान भी है जो शुभता को दर्शाते हैं। ये सारे चिन्ह दाएं पैर पर आते हैं। अब हम बाएं पैर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आता है शंख, शंख दर्शाता है घोषणा को, यानी जो प्रभु की शरण लेगा उसकी सफलता निश्चित है। शंख और दर्शाता है आध्यात्मिक ज्ञान को। इसके बाद है दो कंसेंट्रिक सर्कल, जो दर्शाता है कि इसी प्रकार भगवान के भक्त भी इस संसार में कर्म करते हुए इसमें नहीं बंधते। इसके नीचे है धनुष, ये धनुष काम देव का है जिसमें धागा नहीं है, जो दर्शाता है कि प्रभु के शरण में आने वालों पर काम देव के बाण टूट जाएंगे पर उन पर कोई प्रभाव नहीं होगा, यानी प्रभु के भक्त अपने काम पर जीत हासिल कर लेंगे। इसके नीचे बछड़े के पाँव का निशान है, जो दर्शाता है भौतिक संसार को, यानी जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं वे बछड़े के पाँव को जिस प्रकार लांद के पार किया जाता है उसी प्रकार इस भवसागर को भी पार कर लेंगे। इसके नीचे है दो कंसेंट्रिक त्रिकोण, जो इस संसार के तीन गुण सत्व, रजस और तमस को दर्शाते हैं, यानी भक्त इन तीन गुणों से मुक्त हो जाता है जब वो हरि का स्मरण करते हैं। इसके साथ चार कलश भी है, जो दर्शाता है कि भक्त के जीवन में मंगलता चारों दिशाओं से आएगी। इनके नीचे है अर्धचंद्र, जो दर्शाता है कि चंद्र स्वयं श्री हरि की सुंदरता को देखकर लज्जित हो जाते हैं। और सबसे नीचे है मछली, जिसका मतलब है कि जिस प्रकार मछली पानी में रहती है उसी प्रकार जिसका हृदय जल के समान कोमल और शीतल है उसी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। तो ये थे भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और अधिक भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल अंडरस्टैंडिंग डिवाइन ट्रांस को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, हम जल्द ही हाजिर होंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।